नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी तैयारी में जुट गई है। सभी पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी रणनीति के मंत्र फूंकने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कार्यकर्ता बूथ स्तरों तक पहुंचकर अपने अपने पार्टियों के काम गिना रहे हैं। वहीं एक तरफ बीजेपी प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी गांव गांव तक जाकर चुनावी शंखनाद करेंगे। कांग्रेस 2 अक्टूबर को विधानसभा स्तरीय भरोसा यात्रा निकालेगी। इसके माध्यम से प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों के गाँव तक पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित जिला परिवहन कार्यालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया। मंत्री अकबर ने कार्यालय के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय की साफ सफाई पर जोर दिया। साथ ही मंत्री अकबर ने परिसर में छायादार फलदार पौधों का रोपण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, ताकि लोगों को सरल बेहतर सुविधा मिल सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 सितंबर को ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए से सोने की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने चोरी किए गए सोने के ज्वेलरी के साथ 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इसका मास्टरमाइंड भी शामिल है। दरअसल पुलिस ने जब आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की, तो चादर पर बिछे सोने को देख करके पुलिस भी दंग रह गई। चादर पर सोने की 18 किलो से भी ज्यादा की ज्वेलरी रखी हुई थी। पुलिस से जिस वक्त छापा मारने पहुंची थी, उस समय इन गहनों को चादर बैग और बोरी में छुपा कर रखा था। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में हुई लूट का सोना 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचा, और पुलिस इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ शासन के 31 पुलिस निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही उनकी नई पदस्थापना भी की गई है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में पदस्थ इंस्पेक्टर जो DSP के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।